गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। वेद इंटरनेशनल स्कूल परिसर में क्रिकेट मैच के प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। क्रिकेट मैच के रोमांचक मुकाबले में कोतवाली टीम ने मारी बाजी। गाजीपुर सैदपुर क्षेत्र के बसुपुर स्थित वेद इंटरनेशनल स्कूल परिसर में क्रिकेट मैच के प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार को किया गया। इस प्रतियोगिता में सैदपुर कोतवाली की टीम, जिसमें कोतवाली के सिपाही, दरोगा साथ में क्षेत्राधिकारी भी टीम में सम्मिलित थे। दूसरी तरफ तहसील के कर्मचारी, जिसमें लेखपाल व राजस्व के संबंधित अधिकारी थे। 15 ओवर का मैच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में पुलिस टीम ने खिताब अपने नाम किया। तहसील टीम ने टॉस जीता पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। 15 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 111 रन बनाया। जवाब में खेलने उतरी कोतवाली टीम ने 14 ओवर एक बॉल पर 8 विकेट के नुकसान पर 114 रन बनाकर विजय हासिल किया। मैन ऑफ द मैच पुलिस टीम के धर्मेंद्र यादव को मिला। वही बेस्ट फील्ड का अवार्ड लेखपाल संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह को, बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड शैलेंद्र सिंह पुलिस टीम को, बेस्ट बॉलर का अवार्ड संदीप पुलिस टीम को दिया गया। इससे पहले मैच उद्घाटन उप जिलाधिकारी विक्रम सिंह ने किया। विद्यालय परिसर के बाहर वेद इंटरनेशनल स्कूल के MD पंकज श्रीवास्तव द्वारा पुलिस बूथ का निर्माण कराया गया था। इसका उद्घाटन क्रिकेट प्रतियोगिता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SP सिटी गोपीनाथ सोनी ने पूरे मंत्रोच्चारण के साथ किया। SP सिटी ने कहा कि यहां पुलिस बूथ बन जाने से हाईवे पर आवागमन कर रहे लोगों के लिए सुगमता होगी। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी, प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक व हल्का इंचार्ज धनानंद त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक खानपुर जितेंद्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक बहरियाबाद, प्रभारी निरीक्षक सादात, चौकी इंचार्ज सिद्धना, राजस्व निरीक्षक सुरेश मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस के सदस्य अनूप जायसवाल उर्फ अनुराग, गोपेश पांडेय, आकाश पांडेय, अर्जुन चौधरी एवं आनंद गुप्ता आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश से मोहम्मद इसरार इस वक्त हम बासुपुर मौजूद है। यहाँ कमिश्नर पुलिस अंतर्गत और राजस्व विभाग के एक क्रिकेट प्रतियोगिता किया गया था। आइए हम इस क्रम में खिलाड़ियों से भी बात करते हैं। आज जो आप लोग खेल खेले हैं, इसमें आपका क्या भूमिका था, आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम कांस्टेबल बीरू कनौजिया है, पोस्टिंग थाना खानपुर। सर, एक क्रिकेट का आयोजन श्री राजीव द्विवेदी और लेखपाल अध्यक्ष मोदी द्वारा रखा गया था। हम लोग एक खेल भूमिका से एक क्रिकेट खेले, काफ़ी आनंद आया खेलने में। देखिए, हमारे पुलिस विभाग जज्बा को देखिए, खेलने का भी एक जज्बा होता है और कितने अच्छे ढंग से ये अपनी ड्यूटी भी निभाते हैं और एक तरफ दिखाते हैं कि हम खिलाड़ी भी हैं। और इसी क्रम में हम बात करते हैं, हमारे राजस्व विभाग के लेखपाल हिरेन जी से भी बात करते हैं। आज जो आज खेल क्रिकेट प्रतियोगिता किया गया है, इसमें आप क्या समझ में आ रहा है कि खेल कैसा होना चाहिए और क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत ही ग्लोरियस, जो कहा जाता है ना, ग्लोरियस मैच हुआ है। और सबसे बड़ा आनंद आया कि नहीं, हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय जी के सहयोग से और पंकज जी ने आपके सहयोग को स्वीकार किया और इतना बढ़िया मैच कराया। मतलब एकदम बिल्कुल लग रहा था कि हम लोग इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। वो सभी सुविधाएं जो इंटरनेशनल मैच में देखने को मिलती है 2020 में, वो सभी सुविधाएं हम लोगों को मिली और बहुत ही आनंद आया। सभी हम कहाँ भी जाता है, पुलिस और रेवेन्यू का चोरी दामन का संबंध है, तो आज देखने को भी मिला, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। आज जो मैच यहाँ खेला जा रहा है, यहाँ पर हमारे लेखपाल संघ का जो आनंद 2020 मिलता है, आज यहाँ पर हम लोग को एक खेल देखने को मिला है। और हमारे कोतवाल साहब भी मौजूद है और सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। हमें बासुपुर वेद इंटरनेशनल स्कूल पर जो ये क्रिकेट प्रतियोगिता हुआ, इसके विषय में जानकारी दे कि आज खेल किस तरह हुआ और क्या आनंद हुआ। मतलब कि कम्युनिटी पुलिसिंग हमारी एक चीज़ है, जिसकी जिसमें हम लोग अपने आसपास के लोगों से, अपने विभाग से इंटरेक्शन करते हैं, उनसे अपना मेल जोल बढ़ाते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने कुछ दिन पहले प्लान किया कि क्यों ना तहसील और क्षेत्र जो हमारा सर्किल है पुलिस का, उनके बीच में क्रिकेट मैच कराया जाए, जिससे एक तो हम तहसील के लोगों से एक इंटरेक्शन भी होगा और आपस में एक मैच होगा, लोगों की फिटनेस भी है और एक जो खेल भावना होती है, जिससे कि हमारी यूनिटी भी बढ़ती है, उसके लिए मैच कराया गया था। और आज बहुत ही अच्छा मैच हुआ। दूसरी तरफ से हमारी तहसील की टीम थी, जिसमें कि लेखपाल सिंह के अध्यक्ष धीरेन जी है, उस टीम के कैप्टन रहे और यहाँ पे तहसील के सभी अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद थे। उसी तरह हमारी सर्किल के सभी SO, हमारे SO और SHO यहाँ मौजूद थे। हमारी पुलिस की टीम थी, हमारे नौजवान
जो हमारे आरक्षी, हमारे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और मैं खुद भी था उनकी टीम के साथ में, एक बहुत ही अच्छा सौहार्दपूर्ण मैच देखने को मिला। और साथ ही साथ जो हमारा उद्देश्य था आपसे एक सौहार्द दिखा तहसील और पुलिस का, वो भी हम लोगों ने उसकी पूर्ति की। और यहाँ पे हम लोगों ने जगह के हिसाब से वेद इंटरनेशनल स्कूल है जिसके जो कि प्रबंधक है पंकज श्रीवास्तव जी, उनसे बात की गई और उन्होंने बड़ा शहर से ही इस चीज़ को स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात। और हम लोगों ने उनके सहयोग से उनकी अन्य टीम जो स्कूल की प्रबंधक टीम है उन सबों के माध्यम से उनके स्कूल प्रांगण में वेद इंटरनेशनल में मैच कराया गया। बहुत ही अच्छा मैच हुआ और बहुत ही आनंद आया, इससे एक हम लोगों के बीच बहुत अच्छा सामंजस्य और माहौल तैयार हुआ। बताइए कि आपके दिमाग में कैसे बातें आई कि ये राजस्व विभाग और पुलिस विभाग जो यहाँ क्रिकेट कराया जाए, इसके विषय में आपको दिमाग में कैसे आया? कुछ दिन पहले हम अपने क्षेत्र अधिकारी सर श्री राजजी सर से मिले और क्रिकेट को लेकर हमारी चर्चा हो रही थी और गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में एक कार्यक्रम आयोजन के बारे में सोचा गया। कहा कि एक हम मैच करा सकते हैं जिसमें और भी अन्य विभागों को इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि क्षेत्राधिकारी सर का ऑफिस तहसील प्रांगण में ही है। तो वहाँ से एक आइडिया निकला कि राजस्व और पुलिस की टीम अक्सर साथ में कंधे से कंधा मिला के चलती है, तो क्यों ना इस जिले की प्रथम शुरुआत के लिए इनका एक T20 के तर्ज पे क्रिकेट मैच कराया जाए, जिसको CO सर ने हमें आगे बढ़ने की इजाज़त दी। साथ ही हमारे अध्यक्ष लेखपाल संघ के श्री धीरेन्द्र भैया ने पूरे उत्साह से उसमें बढ़ चढ़ के पार्ट लेने के लिए अपनी सहमति दी और आज तहसील के सभी अधिकारी जैसे उज्जवल अधिकारी जी, तहसीलदार साहब और अन्य विभाग के लोग भी यहाँ पर उपस्थित रहे और एक बहुत ही शानदार मैच हुआ। और इस मैच ने ये दिखाया कि हम भविष्य में इस तरह के मैचेस कितना जल्दी से जल्दी करा सकें। दूसरी चीज कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ को भी सारे लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज से मिलने का और उनसे इंटरेक्ट करने का एक जरिया मिलता है। और जब इस तरह के अधिकारी, चाहे वो राजस्व से हो चाहे वो पुलिस से हो, तो हमारे बच्चों के अंदर भी एक नैतिक शिक्षा का भाव पड़ता है, उनके आगे भी एक रोल मॉडल खड़े होते हैं। कि सिर्फ इस क्षेत्र में ये ना जाना जाए कि सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही होते हैं, ऑफिसर्स के बारे में जानना, तो इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों के अंदर भी बहुत अच्छा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो मैं अपने दोनों ही अधिकारी महोदय, मेरे CO सर, क्षेत्र अधिकारी सर से एवं धीरेन्द्र सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष हैं लेखपाल संघ के, उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये हमें जिम्मेदारी दी कि हम इस कार्यक्रम को आयोजित करें। और हमें लगता है कि हम कार्यक्रम को, लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट देख के लगता है कि कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ। और मैं साथ ही साथ अपने SBCT साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आके हमारा हौसला बढ़ाया, साथ ही हमारे SDM सर ने, प्लस हमारे क्षेत्र के सभी SHOs और इंस्पेक्टर राजीव सिंह सर कोतवाल सैदपुर ने भी आके हम सभी का हौसला बढ़ाया। और सारी टीम का धन्यवाद देता हूं, चाहे वो राजस्व की थी चाहे वो पुलिस की थी, एवं मेरे स्कूल की टीम जो इतनी बजे तक इस टीम में लगे रहे। आज सभी लोग थके हुए थे लेकिन फिर भी एक शानदार मैच हुआ, भविष्य में और ऐसा देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में आपके यहाँ एक पुलिस सहायता केंद्र खोला गया है, और कब और कैसे खोला गया, क्यों खोला गया, इसके विषय में बताइए। आज ही के बाहरी हाईवे पर एक पुलिस सहायता केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है, क्योंकि ये पूरा हाईवे नया बना है और यहाँ से लेकर के आगे इधर नंदगंज और इधर पीछे हमारा खानपुर और यहाँ तक कोई भी सहायता केंद्र नहीं है। और इस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक बढ़ चुका है, लोग आते जाते हैं और लोगों को अगर कभी मदद की आवश्यकता पड़ी, जिस जगह पे कहीं भी कोई पिकेटिंग या किसी ऐसी बूथ की स्थिति नहीं थी, जिसको कि वो भी पंकज जी के माध्यम से ही और जन सहयोग से पंकज जी के माध्यम से वेद इंटरनेशनल के बाहर ही जो जगह थी उसी पर बना करके एक सहायता केंद्र बनाया गया, ताकि 24 घंटे वहाँ पुलिस हमारी मौजूद रहे और इस हाईवे पे चलने वाले होने वाली घटनाओं और एक्सीडेंट की घटनाएं होती है, अन्य भी घटना होती है, तो तत्काल पहुंच उनको सहायता प्रदान कर सकते।